एक छात्रा और उसके इर्द गिर्द छात्रों का ये हुजूम, संवेदनशीलता को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें, क्या ये महज इत्तफाक हैं? पहनावे पर ये घमासान, हिजाब बनाम भगवा की ये लड़ाई, क्या ये महज इत्तफाक है? यूपी में मतदान से ठीक पहले इस वीडियो का वायरल हो जाना और मजहब के नाम पर एक और मोर्चा खुल जाना, क्या ये महज इत्तफाक है? क्या ये महज इत्तफाक है कि दक्षिण भारत में धत के एक विवाद के शोले अब यूपी चुनाव में अंगारे बनते दिख रहे हैं? ओवैसी जैसे नेता क्या यूं ही हिजाब बनाम भगवा के मुकाबले में कूद पड़े हैं? बीजेपी की सरकार कर्नाटक में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि बाहर के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं, कंडम करता हूं। जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बल्कि पुट्टू स्वामी जजमेंट के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का नलसा जजमेंट है उसके खिलाफ है, कॉमन कॉज जजमेंट के खिलाफ है। आखिर क्यों यूपी में पहले चरण के मतदान से पहले इस्लामिक स्टेट की बात हो रही है? आखिर क्यों पहनावे पर विवाद से सियासत आबाद करने की कोशिश हो रही है? क्या ये भी महज एक इत्तफाक है? ये भारत है सर्वधर्म संभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। और इसीलिए विपक्ष में कल कुछ लोगों ने इस तरह का प्रश्न उठाया और ये कभी पूरा नहीं होगा। भारत भारत रहेगा, भारत पाकिस्तान नहीं बनेगा। कर्नाटक से आया ये वीडियो किसी बारूद से कम नहीं। ये वीडियो है तो कर्नाटक का, लेकिन इसका असर आप यूपी चुनाव में साफ साफ महसूस कर सकते हैं। इस वीडियो के चुनावी असर की वानगी आपको बताएं, उससे पहले एक बार फिर ये वीडियो देखिए जो मांड्या के एक कॉलेज का है। कर्नाटक में ड्रेस कोड का विवाद का सिलसिला एक महीने से चल रहा है। ये वीडियो उस विवाद की सबसे बड़ी कड़ी है। हिजाब पहने इस छात्रा का विरोध किया जा रहा है, हिजाब के विरोध में भगवा को आगे किया जा रहा है, अल्लाह अकबर का जय श्री राम से जवाब दिया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आते ही यूपी की चुनावी राजनीति पूरी तरह धधक उठती है। ओवैसी की जुबान बुलंद हो जाती है, दूसरी तरफ से भी हमले शुरू हो जाते हैं। अगर तुम आज छुप जाओगे तो हमेशा के लिए छुप जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडला रहे, याद रखो ये बादल छटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो हमारे मुस्तकबिल का सूरज होगा, मगर याद रखो भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, लड़ेंगे जमहूरी तरीके से तो हक किया जाएगा। हमारे देश के संस्कार इसकी इजाजत नहीं देते। आप हमारी बहन हैं, आप हमारी बहन हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि बहन के पैर को देख लें। हम चेहरे को भी देखना बहुत जल्दी से अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारे देश के संस्कार यही बताते हैं कि सर झुकाकर हम अपनी माताओं बहनों से बात करते हैं। तो ये संस्कार अगर सबके अंदर आ जाएं तो हिजाब की तकलीफ नहीं रह जाएगी। ये जो हिजाब पर चर्चा करते हैं लोग, वो बेहिजाब लोग हैं जो चर्चा करके अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हम सबके साथ सुरक्षा और उसकी बात करते हैं। एक महीने से यूपी की चुनावी भट्टी में खूब अंगारे भड़के हैं। जिन्ना का जिन निकला, दंगे पर दंगल हुआ, धर्म पर धुआंधार हुआ। अब जबकि कल यूपी की 58 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो रहा है, तो सियासी धुरंधरों को एक नया हथियार हाथ लगा है, जिसमें पश्चिमी यूपी में मतदाताओं को मजहब के नाम पर
गोल बंद करने का पूरा मादा है। इसलिए ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या ये वीडियो महज एक इत्तफाक है। मांड्या से नागार्जुन, बेंगलुरु से नोलन पिंटो और लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ आज तक ब्यूरो।